एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल मिठीस फैमिली चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे। ये सुबह के 8 बजे का टाइम है। मैं यहाँ पर शावर लेकर आई हूँ और अपने हेयर वॉश किए थे मैंने। ये है वेडनेसडे का व्लॉग जो कि आपको आज देखने को मिलेगा थर्सडे को। और मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाना है, कुछ बनाया नहीं है। और मैं नहाकर आ गई हूँ और अब ये नहाने जाएंगे, ये अभी थोड़ी देर में जाएंगे। सो अभी मिट्टी और ये दोनों लोग ही सो रहे हैं एंड हेयर वॉश करके आ गई हूँ मैं। अपना जो सुबह का फेस स्किन केयर रूटीन होता है, थोड़ा बहुत सा वो करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। फेस पे लगाती हूँ क्रीम मॉइस्चराइजर, जो कि आज सर्दियाँ आ चुकी हैं, ड्राइनेस की वजह से फेस पर जो क्रीम मॉइस्चराइजर वगैरह वो भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वो लगाऊंगी। देन बॉडी लोशन लगाऊंगी एंड हेयर वॉश, सॉरी हेयर पे क्लेचर लगाऊंगी। और ये जो हैंड वॉश है ये मैं दूर रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, इससे पूरा नहा लेती है क्रीम को उठाती है हैंड वॉश को, सॉरी हैंड वॉश कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं भी आज, हैंड वॉश नहीं बॉडी लोशन को उठाती है। क्योंकि वो पता है बॉडी लोशन भी हो तो उससे नहा लेती है, और हैंड वॉश जो भी होता है, हैंड वॉश वो सारा दिन कहती रहती है कि हैंड वॉश करो। साथ में जो सैनिटाइजर वगैरह रखा रहता है वो आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी जल्दी जल्दी। एक तो मैं छुपा कर रखती हूँ, उसको हटा कर रखती हूँ, नहीं तो ये सारा दिन उससे क्या कहती है, हैंड वॉश मम्मा, हैंड वॉश मम्मा, हैंड वॉश। अगर सैनिटाइजर भी रखा है तो उससे क्या करती है, बार बार ये हाथ में लगाया करती है। सो इसीलिए मेरे माइंड में बार बार वही आ रहा है, क्योंकि क्रीम और हैंड वॉश सैनिटाइजर कुछ भी हो, सभी चीज़ों से बार बार धुलती रहती है हैंड यहाँ पर। सो अभी यहाँ पर मैं क्लचर से अपने हेयर को टक कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे बाल गीले हैं तो कोम नहीं करूँगी मैं। गीले बालों में कोम नहीं करती हूँ क्योंकि हेयर और जल्दी डैमेज होते हैं इसलिए। अभी हेयर करते करते क्लचर मुझे यहाँ पे मिट्टी उड़ गई, ये देख सकते हो आप, मिट्टी यहाँ पर रो रही हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिट्टीज़ फैमिली चैनल, और मैं हूँ मिट्टी की मम्मा दीक्षा। तो मम्मा है वो, बोलती है उससे कोई अगर बोलता है दीक्षा बोलो, दीक्षा नहीं बोलती है, कहती है मम्मा है। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किया है, एक सेकेंड, आज है वेडनेसडे, अपने हेयर को वॉश किया है क्योंकि कल मैं थोड़ी सी ऑयलिंग लगाई थी। क्या हो चुकी? कल मैंने ऑयलिंग करी थी, तो अब ऑयलिंग मैं ओवरनाइट ही रख सकती हूँ, बोलो सारा दिन के लिए मैं सारा दिन नहीं रख सकती, क्योंकि मैं ऑयल लगाती नहीं हूँ जल्दी। और मिट्टी देखो यहाँ पर बैठी हुई है, दिखा, मिट्टी यहाँ पर सोकर उठी है तो मेरी गोद में लेटी हुई है, ये देखो, है ना। गुड मॉर्निंग मिट्टी, से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अले बोल दो, अले बोल दो, अले बोल दो, गुड मॉर्निंग। तो मिट्टी ने, मिट्टी तो भी जस्ट सोकर उठी है, इनके पापा गए हैं शॉवर लेने, और मिट्टी को अभी नहलाना धुलाना मालिश सब कुछ बचा है इनका, और टाइम हो चुका है 9:30। देख लो मेरे यहाँ मैं उठती हूँ सिर्फ जल्दी, ये लोग उठते हैं 9 बजे, डेली है इन लोगों का उठने का टाइम, 9 बजे उठते हैं दोनों लोग, और 9:30 बज रहा है। तो इनके पापा तो अभी गए हैं सावर लेने, तो अभी मिट्टी को भी नहलाना धुलाना सब कुछ बचा हुआ है, मेरे पास है मालिश करना है, बहुत सारे काम है अभी। ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने थोड़ा सा बनाया है, और जो मतलब सुबह का होता है ऐसे ही थोड़ा बहुत वो बनाया है मैंने, और अभी पूरा लंच वाला जो बनाना है वो बनाना है, अब जाऊँगी मैं बनाने। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया हल्का फुल्का, और लंच के लिए भी मैं अभी बना लेती हूँ, प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में इनको सोना हो जाता है, 12 बजे तक सोना होता है, तो मैं अभी से करके रख लेती हूँ। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और देखो सर्दियों में जो स्किन होती है वो ड्राइनेस की वजह से ठिकाई हो जाती है, बट अभी तो मेरी नहीं हो रही है, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, कितना भी कुछ भी लगा लो, बट अगर ओवरनाइट मैं अगर अच्छे से अपनी स्किन को केयर करती हूँ तो मेरी स्किन अच्छे से शाइन करती है, अगर नहीं करती हूँ तो मेरी वही हो जाती है ड्राइनेस टाइप की। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। मुझे अब टाइम मिला है अपने हेयर को कोम करने का, जब ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन गया है, और उसके बाद में मैं आई थी, ये 12 बजे का टाइम है, ऊपर आई थी अपने हेयर को कोम करने। तो अभी आप लोग समझ सकते हो मुझे अब टाइम मिला हेयर कोम करने का, तभी मुझे मैंने किया भी नहीं था क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं, सर्दियों में हेयर जल्दी क्या होता है ना कि जल्दी सूखते भी नहीं है,
तो जब ये सूख गए, पूरी तरह से सूख गए थे, तब मैं ऊपर आई थी हेयर को कॉम करने। क्योंकि ये क्या होता है, अगर नीचे करते हैं, जैसे घर में नीचे करते हैं, रूम में करते हैं, बाहर करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो वो हेयर बहुत गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, टेरेस पे ही कभी कभी आ जाती हूँ, जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ, तो उस दिन अच्छे से टेरेस पे ही कर लेती हूँ। सारे बाल यहीं पर होते हैं और फिर उसको उठाकर फेंक देती हूँ, ये ठीक रहता है, कहीं गिरते नहीं। अगर एक भी बाल कहीं गिरा हुआ मिलता है ना, तो वो देखने में भी फिर अच्छा नहीं लगता है। सो अभी आ गई हूँ, ये है दोपहर का टाइम मेरा और मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा लंच वगैरह बन गया था, तो यहाँ पे जितनी भी मेरी बॉटल्स खाली रखी थी तो उनको मैं यहाँ पर भर रही थी। तो मैंने इसकी भी छोटी सी आज क्लिप ले ली है। वैसे तो डेली के काम तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग जो व्लॉगिंग में शेयर करते हैं वो बहुत ही कम शेयर कर पाते हैं, क्योंकि अगर डेली यूज़ के जो काम होते हैं ना, अगर उनको अगर शेयर करने हम लोग बैठ गए तो व्लॉग इतना लंबा चौड़ा बन जाएगा ना कि क्या बताऊँ। एक दिन का व्लॉग हम लोगों को 2-3 पार्ट में शेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए कुछ कुछ क्लिप्स होती हैं जो हम लोग व्लॉगिंग में शेयर कर पाते हैं, क्योंकि डेली में तो बहुत सारे काम होते हैं। तो डेली डेली क्या होता है, थोड़े थोड़े चीज़ें करके एक एक दिन होता है, शेयर होता है। तो ये मैं यहाँ पर मुँह में लॉलीपॉप डाल के रखी हूँ, क्योंकि मिट्टी लेकर आई थी जब उनके डैडा शाम को जा रहे थे, तो वो लेकर आई थी। और क्या करती है, लेकर आती है, थोड़ा सा खाती है और फिर कहती है मम्मा आप खा लो। मतलब मुझे ही डेली का खाना पड़ता है इसका लॉलीपॉप। मैं इसे बोल चुकी हूँ पहले भी मत लेकर आया करो, पर ये मानती नहीं है। और फिर शाम के टाइम का ये है छोटा सा, और यहाँ पे मैंने शाम को मिट्टी, लोग वैसे भी बच्चे गंदगी ज़्यादा करते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं, तो चलना फिरना इधर उधर करते रहते हैं, तो गंदगी जो भी फैली होती है। तो मैं शाम को एक बार टाइम से फिर से 5 बजे के टाइम पर एक बार झाड़ू लगा देती हूँ उसको, जितना भी गंदगी होती है। और अगर ये तो मुझे यहाँ पे पोछा लगाना पड़ा है, क्योंकि झाड़ू पहले लगी हुई थी, गंदगा नहीं किया था। यहाँ पे मिट्टी ने दूध गिराया हुआ था, तो दूध से क्या होता है ना, हल्का सा चिपकता है, तो उसमें हल्की सी शक्कर पड़ी होती है, तो हल्का सा चिपकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था। और किचन में भी मैंने सोचा अब लगाया ही है तो किचन में भी लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मिट्टी अगर कहीं भी जाती है तो क्या करती है, किचन में आकर अगर प्याज रखा होता है तो प्याज वो छीलने बैठ जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पर प्याज के ही छिलके हर जगह दिखाई दे रहे हैं, तो प्याज के छिलके रखे हुए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे साफ़ कर, वो जो पड़े हुए थे वो भी साफ़ कर दिया। देन उसके बाद में पूरा जो बिस्तर रखा था गंदा गंदा पड़ा था, वो भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया, क्योंकि सब दिन भर में जितनी बार भी बिस्तर लगाओ उतनी बार सब खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बिस्तर भी साफ़ कर रही हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा जो ये जो मेरी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं सारी, इनको भी मैं क्लीन करूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये भी गंदी हो गई हैं। मैं इनको अभी तक नहीं क्लीन किया था, आई थी तो मैं अपने घर से जब भी आई थी दिवाली के बाद जब आई थी, तो मैंने ये बेड वगैरह क्लीनिंग कर दी, फ़ोटोज़ वगैरह मैंने नहीं साफ़ की थी। तो आज मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी थोड़ी बहुत साफ़ कर दी हैं, क्लीनिंग कायदे से कर दी है, डीप क्लीनिंग कर दी है फ़ोटोज़ की भी, जो गंदगी हो जाती है खड़े खड़े बेचारे टंगे रहते हैं ये फ़ोटोज़ भी, उन्हें भी मैं यहाँ पर साफ़ कर दूंगी। और साथ ही साथ मेरी जब फ्रिज वगैरह की तो क्लीनिंग हो ही चुकी है, और ये बेड तो हर 3-4 दिन में गंदा हो जाता है, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि ये डेली पहले क्या करती थी, मैं डेली साफ़ किया करती थी, बट इतना अब टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चा भी संभालना होता है और फिर सब बहुत सारे काम रहते हैं, यूट्यूब भी है तो सब कुछ देखना होता है, इसलिए बेड डेली तो नहीं, हर 2-3 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ बेड को भी यहाँ पर। और क्योंकि ये जो बाहर का साइड का विंडो है विंडो से सारी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो अंदर आ ही जाती है, तो उसकी वजह से बेड वगैरह गंदा हो जाता है। और यहाँ पे टॉयज़ फैले हुए, तो उसको मिट्टी का टॉयज़ भी सही से करके रख दे रही हूँ। सारी पिलो विलो सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मिट्टी ने यहाँ पर सब कुछ, और भी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं, जो सब्जी की डलिया वगैरह होती हैं वो भी मिट्टी यहाँ पर बेड पर लेकर आ गई है, खेल रही थी उसको बैठ कर, तो उसको भी साफ़ कर, उसको भी हटा दूंगी यहाँ से, सब कुछ कर दूंगी साफ़। साथ ही साथ ये मैं मिरर भी साफ़ कर देती हूँ ड्रेसिंग टेबल का, क्योंकि वो भी हल्का सा गंदा लग रहा था, और बेड के साथ साथ ड्रेसिंग टेबल भी हल्का हल्का सा गंदा हो जाता है 2-4 दिन में, तो उसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और मिट्टी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सब्जी वाली जो डलिया है उसके साथ में ही खेलने में लगी है, इसी वो ले ही कर आई थी यहाँ पे, उसके ऊपर बैठ रही थी बार बार, तो मैंने उसको मना किया कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए यहाँ पे अब खेलना तो नहीं है, पर यह है कि लेट कर उसको आराम से पैरों से खेल रही है। और यहाँ पे मैं चार्जिंग में लगा रही हूँ अपना मॉस्किटो बैट, वो भी चार्जिंग में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए गाइस, मैं व्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ, और ज़्यादा बड़ा आज का व्लॉग नहीं बनाया है, थोड़ा ही सा छोटा मोटा सा व्लॉग बनाया है, क्योंकि आज सुबह से कुछ मन नहीं किया ज़्यादा काम करने का, सर्दियाँ चल रही, सर्दियों में वैसे भी कोई ज़्यादा काम करने का मन किसी का नहीं करता है, काम तो छोड़ो किसी का सोकर उठने का जल्दी मन नहीं करता है, तो बट हम लोगों का क्या है, हम लोगों को तो डेली उठना पड़ता है, जल्दी काम करने पड़ते हैं घर के, हम लोगों के सिवा कोई और करने वाला नहीं होता है घर पर, तो हम लोगों को तो डेली का वही होता है, पर वो ऐसे नहीं करते, फिर हाथ में गंदा हो जाएगा ना। सो
मिट्टी यहाँ पे अभी देख रही है यहाँ पे कार्टून अपना, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी मैं स्लो कर देती हूँ ताकि मेरे कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी मेरे यहाँ टीवी जो है परमानेंट चलती रहती है, परमानेंट क्या, ये टीवी चालू होती है मेरे यहाँ, स्टार्ट ऑन होती है शायद 3:30 के टाइम पर ऑन होती है, उसके बाद से डायरेक्ट ये रात में 11 बजे बंद होती है, इतनी देर तक चलती है। सोच लो ये सिर्फ और सिर्फ चलती है मेरी मिट्टी मैडम के लिए कि ये देखती हैं टीवी, इनको कार्टून देखना होता है, अभी तक देखने वाली नहीं थी, नहीं देखती थी ये, अब बट देखती हैं आप इनको कार्टून, इतना अच्छा लगता है क्या बताऊँ, मतलब सारा दिन कार्टून, इतने कार्टून की देख देख कर मुझे भी याद हो गए हैं सारे कार्टून नेम एंड करेक्टर नेम। सो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं से एंड करती हूँ क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा आज का मेरा ब्लॉग नहीं है, और फिर भी वैसे भी कोई ज़्यादा ब्लॉग देखता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, पूरा पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ कर चले जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, आई होप मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, बाय बाय गाइस। मिट्टी के हैंड देखो नीचे से आ रहे हैं, ये लेटी हुई है यहाँ पर, एक सेकंड दिखाती हूँ, लेटे हो, बाय सी यू सून बोल रहे हो, बाय सी यू सून, लव यू, कटो, वो कॉल थोड़ी ना चल रही है, क्या करती है कॉल पे किसी से बात करती है तो कहती है कि ओके बाय और कटो ऐसे बोलती है। सो बाय गाइस, सी यू सून एंड गुड नाइट।